हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय पर्व एवं त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, गणतंत्र दिवस, संविधान, 2 अक्टूबर, स्वतंत्रता। तो आपको सही शब्द को रिक्त स्थान में भरकर पूरा करना है। क, 26 जनवरी को डैश के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे गणतंत्र दिवस। ख, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश डैश हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे स्वतंत्र। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। ग, गांधी जयंती डैश को मनाई जाती है, तो ये तो आपको मालूम ही है कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। घ, भारत का डैश 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही कथन के लिए सही व गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे, सही के आगे सही व गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। क, 15 अगस्त को गांधी जयंती मनाते हैं, गलत। ख, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, सही। ग, गणतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, गलत। घ, होली तथा दिवाली भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पर्व हैं, गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, राष्ट्रीय पर्व का क्या अर्थ है। भारत में कितने राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जिन पर्वों को पूरा देश एक ही तरह से और सम्मानपूर्वक मनाता है उन्हें राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 5, स्वतंत्रता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों की लगभग 200 वर्षों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाकर रंग भरिए। बच्चों, आपकी वर्कशीट में यहाँ राष्ट्रीय ध्वज का चित्र दिया गया है, आप इसे बनाकर रंग भरेंगे, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, पेड़ पौधों की देखभाल। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्रों के माध्यम से पेड़ पौधों की देखभाल को दर्शाया गया है। आप भी अपने घर में या आसपास पेड़ पौधों की देखभाल इसी प्रकार करें, उन्हें समय पर पानी दें, खाद दें, फूलों को ना तोड़ें और उन्हें बचा कर रखें, उनका ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है, आप अपने घर के पौधों की देखभाल किस तरह करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपने घर के पौधों की देखभाल किस तरह करते हैं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, मैं अपने घर के पौधों की देखभाल प्रतिदिन पानी देकर व समय समय पर उनमें खाद डालकर करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो गलती कौन करते हैं, जो नया करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ खाना पीना, अपने खाने में हरी सब्जियाँ शामिल करें, जैसे घिया, फली, टिंडे, तोरी इत्यादि। गतिविधि, अपने घर के पौधों में पानी दीजिए। खेल, अपने परिवार के सदस्यों के साथ लूडो खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें
बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।